चढ़ो गाइस, जो आज की हमारी वीडियो है ना वो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। हम क्या करने वाले हैं, पूरे 24 घंटे पहाड़ के ऊपर बिताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा हमारा पानी, ये रहा हमारा टेंट, ये है हमारे खाने पीने की चीज है। और हम चैलेंज के अंदर टोटल 4 जने पहाड़ की आप चढ़ाई देख सकते हो, काफी ज्यादा ऊपर है पहाड़। हमारे को जाना है टॉप के ऊपर और फिर 24 घंटे हम पहाड़ के ऊपर बिताने वाले हैं। मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है। जो हमारा चैलेंज है वो हो चुका है दोस्तों स्टार्ट। हे श्री, व्हाट इज द टाइम? इट्स 2:02 PM। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, 2:02 हो चुकी है और जो हमारा चैलेंज है वो स्टार्ट होता है। हम आधी चढ़ाई तो चढ़ चुके हैं और अब हम जाने वाले हैं पहाड़ के टॉप के ऊपर और फिर 24 घंटे वहां पर बिताने वाले हैं। सर्दी का मौसम है, पता नहीं क्या हालत होगी हमारी, देखते हैं। आ जाओ आ जाओ, कैमरा मैन अच्छे तरीके से आना, देख लो गाइस कैसा रास्ता है पूरा पूरा। चढ़ने में पूरी हालत खराब हो रही है ओए। मैं इनके पीछे पीछे आ रहा हूं ताकि कोई गिरे ना, इनको सपोर्ट दे सकूं। और मेरे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं है। ओ भाई साहब, अभी तक तो हमने ना पहाड़ की आधी दूरी तय की है। जितना हम चढ़े हैं ना, देख लो कितनी ज़्यादा घेरा ही है नीचे, इतना और ऊपर चढ़ना अभी तक तो। अब जाके गाइस पहुँचे हैं इस पहाड़ के टॉप के ऊपर। देख लो आप कितना ऊंचा ये पहाड़ है। जो ये कस्बा है ना उसके घर काफी ज्यादा छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। जो आसमान है ना उसके अंदर अब धुंध दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा ऊंचाई पर है हम। हालत पूरी की पूरी खराब हो गई ऊपर चढ़ने में और इससे भी ज्यादा हालत खराब होगी यहाँ पर 24 घंटे रुकने में। जी हाँ दोस्तों, ये खतरनाक चैलेंज होने वाला है। पता नहीं हम कैसे यहाँ पर रात बिताएंगे, कैसे खाना बनाएंगे और कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे। लेकिन अभी तो थक गए हैं बुरी तरीके से, तो थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर बाद में जो अपना टेंट है वो लगाएंगे। कांटे भी हमारे को ढूंढने पड़ेंगे आग जलाने के लिए और खाना भी बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम है। और यहाँ पर गाइस पेंथर होते हैं ना, उनका भी डर है। देख लो आप, इस साइड में पूरा ये जंगल है, पूरी ढलान के अंदर पूरा जंगल बना हुआ है भाई लोग, और इसके अंदर है पूरे जंगली जानवर, तो ये भी हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं रात में। तो आग जलाना तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम है। अरे उठो, काम काफी ज्यादा करना है। मोटे टेंट लगाना है, अभी तक तो खाना भी बनाना है। तो गाइस कहाँ पे लगाए यार टेंट? सोच रहे हैं कोई ऐसी जगह लगाए जहां पर हमारे को ठंड थोड़ी कम लगे। बाकी तो पहाड़ी है, हवा तो चलने वाली है रात में, तो भी थोड़ा बहुत बचाव हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो ये दो पेड़ है ना इनके बीच में टेंट लगा ले इस जगह में, तो थोड़ा बहुत तो गाइस जो हवा है ना वो कम आएगी, बाकी इतना ज़्यादा भी नहीं होने वाला है और ठंड तो हमारे को अभी से लग रही है। तो टेंट हम लगाएंगे इस जगह पर, ये जगह बेस्ट है ना। जी हाँ गाइस, ये जगह बिल्कुल एक नंबर है हमारे टेंट लगाने के लिहाज से। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो ये जगह है ना उसको पूरा क्लीन करने वाले हैं। इसी जगह हम लगाएंगे टेंट। आगे की तरफ आप देख सकते हो जो व्यू है वो पूरा एक नंबर हमारे को देखने को मिलेगा और यहाँ पर हम अपनी फायर जला लेंगे। तो चलिए सबसे पहले सफाई करते हैं। ओ इसको हटाओ यार, ये पूरा सूखा काटा है, इससे 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 तोड़, हटा हटा, वो लग जाएगी आँख में, ये पूरा सूखा है तो इसको पूरा हटा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। साइड में रख, साइड में जलाने के काम में आएंगे ये सारे के सारे। और ये नीचे वाला कांटे भी हटाते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा टेंट है वो दोस्तों बन चुका है। ये रहा हमारा टेंट, हमने लगा दिया है और काफी ज्यादा स्पेस है इसके अंदर, हम आराम से सो पाएंगे पूरी रात। और अब हम बनाने वाले हैं कुछ खाने के लिए। तो जो हमारा चूल्हा है ना वो यहाँ पर आप देख लीजिए, चूल्हा भी हमने बना दिया है। तो चलिए क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो बनाने वाले हैं। काफी ज्यादा भारी है यार, बस इसके अंदर कढ़ाई वो निकालने की ऑयल है, मसाला वगैरह है वो इसके अंदर है। और ये है हमारी छोटी सी कढ़ाई, तो इसके अंदर हम बनाने वाले हैं
ओए चूल्हे के ऊपर और काम करना होगा अभी तक तो। तो गाइस अब हम बनाने वाले हैं पोहे, तो उसके लिए मटर छीलेंगे, प्याज काटेंगे, मिर्ची काटेंगे। काटो काटो प्याज इसको काट, भूख लग रही है, खाने को कुछ नहीं दे रहे यार ये लोग। बनाना पड़ेगा हम। ये जब तक सब्जी काटते हैं हम जाने वाले हैं कांटे लेने, यानी कि जो छूल्हा बनाएंगे ना उसके लिए यार कांटों की आवश्यकता होगी। तो अंदर जाएंगे, वो देखने वाले हैं कि हमारे को क्या मिलने वाला है। पूरा ये पहाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आ जाना साथ में, मेरे को कोई जंगली जानवर उठा कर ले जाएगा। अरे मेरा डंडा है, लेका लेका डंडा। अरे हाँ बोले क्या, एयर गन। तो भाई एयर गन भी हम साथ में लेके जाने वाले है। लोड है के? हाँ लोड है ये। चल ये केवल दोस्तों है ना, जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, डराने के लिए है केवल, ये डरा के भगा देती है। चलो कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़ है मोटे। आगे कुछ काटो की आवाज आ रही है, कांटे हैं आगे। ओ माय गॉड, आगे कांटे हैं, मिल जाएंगे तुमको जल्दी। आ चलो चलो गाइस, फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी। ये रे कांटे ले आ, ले आ मोटे ले आ। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो मैंने मोटे का पूरा ध्यान रखा कि इसको कोई जानवर ना उठा के ले जाए। और देख लो कांटे हम लेके जा रहे हैं ऊपर वापस। तुम क्या कर रहे हो? जान पड़ गई मेरी। ओ भाई भाई भाई, आ भाई साहब। ओ हो बढ़िया हो गया गाइस, पंचर हो गया खतरनाक वाला मेरा तो। जूम करके बता दे पूरा फेस। ये हाल होता है गाइस जब हम कोई वीडियो शूट करते हैं। गाइस चलिए अब आग लगाएंगे हम, भूख लग रही है गाइस खतरनाक वाली। आग तो जल चुकी है और अब इसके ऊपर रखते हैं कढ़ाई। ये रहा ऑयल, कितना डाले इसके अंदर? डालते हैं तो गाइस जो हमारे पोहे हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। ऐसी लोकेशन पर पोहे बनाना भी है ना, गाजर का हलवा बनाने जैसा ही मुश्किल है, लेकिन बनने के बाद में जब हम खाते हैं ना तब यह जो नजारा दिखता है ना उसका मजा एक नंबर है गाइस, फुल मजा आता है। बराबर से फिनिश करते हैं इनको, पूरा उतार के खा लेना इसको, थोड़ा सा भी मत छोड़। भूल लगे बिल्कुल साफ कर दे। तू बोलो चार जाओ इसको, चार जा नहीं नहीं धोना था। देखो ये फिर जो सबसे लास्ट में खाएगा वो इसको धोएगा। तुम खा लो हम तो पहले उड़ के आ गए, निकल रहे हो यहाँ से। सूरज डूबने वाला है, अब ठंड लगेगी गाइस, अब खतरनाक वाली ठंड तो वैसे अभी भी लग रही है। पूरे के पूरे हम पहाड़ी के ऊपर घूम रहे हैं, वहाँ पर आप देख लो कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर है। आसपास की सबसे ज्यादा ऊंची पहाड़ी है ये। सूरज है ना वो तो डूब चुका है और वहां पर आप देख लो सर्दी इतनी ज्यादा है अब कि सारे के सारे टेंट के अंदर घुस गए। थोड़ी देर में पूरी की पूरी रात हो जाएगी। कल सुबह तक तो पानी हो जाएगा, लेकिन कल हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है। जो हमारा चैलेंज है ना वो होगा 2 बजे खत्म। बाकी हमने आग जला रखी है। मैं आपको एक बार नजारा बताता हूँ कि कैसा नजारा है नाइट का। जो व्यू है ना वो है पूरा का पूरा एक नंबर। देख लो आप, जो पूरा अजमेर शहर है ना वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। नागिन डांस, तो गाइस 10 तो बज चुकी है, यहाँ पर टाइम पास ही नहीं हो रहा है। तो हम कभी डांस कर रहे हैं, कभी इस आग को फुल जला रहे हैं और कभी कभी मूवी देख रहे हैं, लेकिन टाइम पास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हवा तेज चल रही है। एक बार भाई माइक हटा के बता दे। ये गाइस जो माइक मेरे पास लगा हुआ है ना ये वॉइस कैंसलेशन है, यानी कि बैकग्राउंड की सारी वॉइस हट जाती है। और अब आप देखिए
मतलब कि सामने आप देखिए नजर एक नंबर है, जहाँ तक नजर जाए ना वहाँ तक पूरी पूरी लाइटिंग। जो अजमेर शहर है ना वो काफी ज्यादा प्यारा दिखता है। अब चलता हूँ, ज्यादा ठंड लग रही है। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? स्वच्छ भारत अभियान चला पागल, थोड़ा तो दूर चला जाता यहाँ पर ही स्टार्ट। गाइस देखो सारे के सारे सो रहे पाड़े। ओए उठ, भूख लग रही है, उठे, भूख लग रही है। ये तो नहीं उठेंगे, मुझे उठना पड़ेगा। ये रहा अपना चूल्हा, इसको तैयार करते हैं वापस से। अभी भी आग जल रही है इसमें, देखो। तो गाइस अपना चूल्हा बन चुका है, कढ़ाई लेके आते हैं अपनी। ओ चूती, इसको क्यों खोला तूने? सर्दी आ रही ना अंदर। आजा पोहे बनाते हैं। अबे क्या साले, इतने रात को पोहे तू ही खाते रहे, पोहे हमको निकालना, मेरे को सोने दे, नींद आ रही है सब लग रही। गाइस आखिरकार इतनी मेहनत के बाद अपने पोहे जो है ना अच्छी तरीके से तैयार हो गए। देखो अब एक ही हाथ है इसलिए मैंने कैमरा बंद कर दिया था। तो अब गाइस मैं जा रहा हूँ। इकले अब देखो ये उठ उठ के आ गए। ओ पोहे खा लो पोहे। तो मैं तो यहीं पर, किसी को उठाना नहीं है, किसी को बुला लो, उनको बुला, पोहे खा लो, पोहे खा लो। अरे यार कौन कौन उठ उठ के आ गया था गाइस? अकेले अकेले पोहे बनाएगा, अकेले अकेले खा रहा है। देखो जब बनाने की बारी आई तब तो कोई उठ के नहीं आया। तो मजा है ना, मतलब कम कम खाया जाएगा और इससे ज्यादा खाया जाएगा। ओए मेरी जगह खाली करो, इनको तो सुबह धोएंगे। धो क्या उसको? अरे सुबह धो देंगे, सुबह सुबह उठेंगे। अब नींद आ रही है, अब नहीं उठेंगे वापस। अब तो थोड़ी नींद निकालेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ। हे श्री, व्हाट इज द टाइम? इट्स 7:16 AM। यहाँ पर आप देख लो 7:16 हो चुकी है सुबह की। सूरज है ना वो अब निकलने वाला है, सर्दी का मौसम है इसलिए हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम चारों तरफ पहाड़ से घिरे हुए हैं। आगे की तरफ भी है पहाड़, तो शायद सूरज तो निकल चुका होगा लेकिन अभी हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, आग जलानी पड़ेगी हमारे को और चाय बनाने वाले हैं। तो जो दूध है ना वो हम कल अपने साथ में लाए थे, तो देखते हैं कि वो फटा या नहीं। अगर दूध सही होगा ना तो हम चाय बना लेंगे, वरना देखते हैं क्या होता है हमारा हाल। सर्दी का मौसम है, जो दूध है ना वो फटना तो नहीं चाहिए, बाकी किस्मत है गाइस। ओए निकलो जल्दी, ओए मैं देख लो सर्दी के अंदर ना पानी डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर, डाल दूं। ठंडा ठंडा पानी है गाइस। तो गाइस जो आग है वो तो अब जलाई जा चुकी है, देख लो आप, हालत खराब हो गई, अब जाके मजा आ रहा है। डाल दे पूरा दूध। गुड मॉर्निंग गाइस, मोटे जा कॉफी बना चुकी है। अब हम क्या करने वाले हैं, घूमने वाले हैं इस पहाड़ के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पहाड़ है। कल तो हम नहीं घूम पाए थे लेकिन आज अभी तक हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो पूरे पहाड़ पर घूमने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। हम तो चले परदेसी, साथ क्या निभाओगे? गाइस देख लो पहाड़ के ऊपर ऊपर जा रहे हैं हम सबसे। इतना ज्यादा बड़ा ये पहाड़ है, देख लो आप भाई साहब, फैला हुआ है पूरा का पूरा। यहाँ पर गाइस है ना आप देख रहे हो ना ये जितने भी पेड़, ये पेड़ दोस्तों बहुत टाइम पहले है ना इन सबके बीज इस पहाड़ के ऊपर डाले गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा पहले राजस्थान के अंदर बिल्कुल भी पेड़ नहीं थे खेजड़ी के अलावा, लेकिन फिर बाद में जो ये बबूल के पेड़ आप देख रहे हो ना, ये दोस्तों हेलीकॉप्टर से जो इनका बीज है वो नीचे गिराया गया था और आज देख लो आप
कितने सारे बबूल के पेड़ है पहाड़ों के ऊपर, पूरी अरावली पर्वतमाला के ऊपर इसी तरीके से बबूल के पेड़ के जो बीज है ना वो गिराए गए थे। यहाँ पर गाइस सांप वगैरह के बिल है बहुत सारे, देख सकते हो आप। अभी तो जो सांप है ना वो बाहर नहीं घूमते हैं सर्दी का मौसम है, बाकी तो भाई दिख जाते अभी तक हमारे को। तो गाइस मोटे को आप देख लो, उसका प्रेशर बन चुका है, वो जा रहा है उस साइड में। मोटे कहाँ पर जा रहा है? यहाँ पर देखो हम खुदाई कर रहे हैं। ओए वो खेला है तो ताउड में ना उड़, कौन उड़ाएगा? तू चल ठीक है। तोता उड़ मैना उड़ बतख उड़ चिड़िया उड़ चिड़िया उड़ चिड़िया उड़ चिड़िया उड़ बतख उड़ तोता उड़ मैना उड़ चिड़िया उड़ चिड़िया उड़ भैंस उड़। मोटे मोटा मोटा ओए लग गई मोटा उड़ सबने तूने तो सुना ओए कैमरा देख ले सबने उड़ाया और मोटा चारों उड़ाया मोटा तो उड़ता है क्या? पता नहीं, हाँ उड़ता हूँ अभी, देख उड़ती रही उड़ जाएगा मोटा गाइस। हाँ अब चल अंडरवेयर उड़ उड़ती है उड़ती है फिर नहीं उड़ी फिर नहीं उड़ी कभी नहीं उड़ी तेरी एक बार उड़ी थी यार तो फिर हवा चली थी आंधी के साथ उड़ गई तो उड़ती है पागल अंडरवेयर वापस तो उड़ तो जाती है ना वापस उड़ रही उधर पीछे देख ओ भाई देखो वो क्या है ओ भाई साहब ये गाइस है ना कोई बड़ा सा पक्षी है देखो आप चील है चील 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 है तोता उड़ मैना उड़ चिड़िया उड़ बतख उड़ चिड़िया उड़ चिड़िया उड़ चिड़िया उड़ कुत्ता उड़ ये खाएगा हाँ लगभग ये ओ ये पांच लगभग यहाँ पे मारे ना पांच से तो ऊपर मारनी है मोटे अरे यार तो गाइस 12 तो बच चुकी है और अब हमारी भी 12 बच चुकी है, यानी कि जो पानी है वो अब खत्म हो चुका है। देख लो यहाँ पर आप केवल हमारे पास 2 बोतल है और ये कैंपर पूरा खाली है ना। अब देख लो आप कैंपर पूरा पूरा खाली हो चुका है गाइस, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पूरा जो ये कैंपर है वो दोस्तों खाली है और यहाँ पर केवल 2 बोतल है एक एक लीटर की, तो 2 लीटर पानी है हमारे पास और अभी तक तो बहुत ज्यादा टाइम है और हमारे को लग रही है भूख, तो हम सोच रहे हैं यार मैगी बना लेते हैं। तो हमने है ना 2 बजे पोहे खाए थे रात को और अभी बज रही है 12, तो देख लो आप यार कितना टाइम हो गया, बहुत बड़ा चलने वाला है अभी तक भी चैलेंज। और सबसे बड़ी बात है पानी की कमी, केवल हमारे पास 2 बोतल है और नीचे हम नहीं जा सकते। तो हमने मैगी तो खा ली है और आप देख लो पानी केवल इतना सा बचा है, अब सबने मैगी खाने के बाद में पानी भी पिया था तो देख लीजिए इतना सा पानी है। और अब है ना यहाँ पर रुकने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, अभी भी हमारा चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, तो हम सोच रहे हैं टेंट वगैरह यहाँ से हटाते हैं और हम पानी ढूंढते हैं। तो पहाड़ पर पानी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है गाइस, काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई पर होता है, तो भी कोशिश करते हैं क्या पता मिल जाए पानी। चलिए जो टेंट है ना उसको फटाफट से अब हटाते हैं, यहाँ से निकलना है यार। अब हम जा रहे हैं दूसरे पहाड़ के ऊपर, यहाँ पर गाइस लगातार एक के साथ में एक पहाड़ अटैच है, तो हम सोच रहे हैं दूसरे पहाड़ के पास में जाए और क्या पता हमारे को पानी मिल जाए वहाँ पर। तो आगे की तरफ है एक और पहाड़ तो उसके ऊपर हम जाएंगे, कब के पानी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, अभी तक पानी नहीं मिला। पहाड़ है ना जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है गाइस, हालत ख़राब हो रही है इसके ऊपर, प्यास लग रही है अब तो सभी को यार, ख़तरनाक वाली प्यास, आ जाओ। तो गाइस हम ऐसी ऐसी जगह फंस जाते हैं कि जो हमारा चैलेंज है वो तो होता है 24 आवर्स का और हमारे को निकलने में भाई साहब 28 घंटे 29 घंटे लग जाते हैं, ध्यान से आना। गाइस देख रहे हो कितनी सारी मधुमक्खी है और जो इनके छत्ते हैं ना वो आप देखिए कितने बड़े बड़े हैं, अगर ये हमारे पीछे पड़ जाए ना तो हमारा तो मरना तय है। पहाड़ के ऊपर है हम और भाग भी नहीं सकते, बुरी तरीके से भाई भगा भगा के हमारे को मारेगी मधुमक्खियाँ, और हम लगातार पानी भी ढूंढ रहे हैं लेकिन पानी तो नहीं मिला, वहाँ पर वो मधुमक्खी का छत्ता मिल गया तो हम उससे दूर आ गए, पहले बिल्कुल उसके पास में थे लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई कैमरा चालू करने की, तो हम आगे आ गए और अब आपको बता रहे हैं।
और गाइस जो हमारे दो टीम मेंबर है वो अलग पानी ढूंढ रहे हैं और हम अलग पानी ढूंढ रहे हैं। लगातार पहाड़ के ऊपर चलते जा रहे हैं भाई, पहाड़ है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पूरी हालत ख़राब हो रही है हमारी। तो गाइस जो पहाड़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अभी तक हम नीचे नहीं उतर पाए हैं। 24 आवर्स हमारे को इस पहाड़ के ऊपर हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे, और पानी कहीं पर भी नहीं मिला। जो मेरे दो टीम मेंबर थे जो मेरे से अलग थे उनको भी मैंने बोल दिया है कि आप भी अब नीचे चले जाओ। और बाकी मैं आपको टाइम बता देता हूँ, टाइम क्या हो रहा है। हे श्री, व्हाट इज द टाइम? इट्स 2:22 PM। यहाँ पर आप देख सकते हो 2:22 हो चुकी है, और कल हमारा जो चैलेंज था वो दोस्तों 2 बजे स्टार्ट हुआ था। तो गाइज ये चैलेंज होता है यही पर ही खत्म। हालत डाउन यार, प्यास लग रही है भयंकर, और अब हम जाने वाले हैं फटाफट से पहाड़ से नीचे। काफ़ी टाइम लगेगा अभी तक, वहाँ से आए हम उस साइड से, देख लो आप कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन तीनों के ऊपर हम घूम रहे थे और उस साइड में और पहाड़ है, इतने सारे पहाड़ देख लीजिए आप, ऊपर ही ऊपर हम घूम रहे थे। डाउन हो गई भाई हालत, जब तक पानी था ना तब तक तो ठीक, जैसे ही पानी खत्म हुआ सबकी एनर्जी डाउन हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है यार, वीडियो को आपको करना है लाइक, चैनल बने हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।